प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इस समय सैफई में मौजूद हैं और ये वो स्थल हैं जहां पर समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार होना है वो इसी प्रांगण में होगा। देखिए, यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। ये पूरे पंडाल बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही देर में जो बची चीज़ें हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। ये समाधि स्थल नेताजी का बना के तैयार किया जा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं सैफई के वो स्थल जहाँ पर कुछ घंटे बाद नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और यहीं पर उनकी अंत्येष्टि होगी। अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है वो सब लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पूरी कर ली गई है और यहाँ पर भी लगभग पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बस इंतज़ार है तो नेताजी के पार्थिव शरीर यहाँ लाने का। तो और घर से लेकर के और इस स्थल तक जहाँ पर अंत्येष्टि होनी है वहाँ तक आप देख सकते हैं जमावड़ा। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेताजी के मानने वाले लोग हैं, वो उनका तांता लगा हुआ है। सैफई में आज जनसैलाब उमड़ा है। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से लोग नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। नेताजी जब थे इस दुनिया में तब और आज भी उनके मानने वालों की जो संख्या है वो बहुत है और वो सभी चाहते हैं कि एक बार अंतिम दर्शन नेताजी के जरूर किए जाएं। तो कुछ लोग लाइन में हैं, कुछ लोग अभी पहुँच रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे हम पहुँचे थे सैफई आवास पर जहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई। और अभी समय हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। और ये वो स्थल है जहाँ पूरी तरीके से कल से जब से नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ आया है उसके बाद से यहाँ तैयारी हो रही थी। अमूमन लगभग सभी तैयारियाँ यहाँ पूरी कर ली गई हैं और बस शेष कुछ घंटे बचे हैं जब यहाँ पर नेताजी का अंतिम संस्कार होगा और यहीं पर नेताजी का समाधि स्थल भी बनाया जाएगा। ये पूरी तरीके से पंडाल आप देख सकते हैं बन करके तैयार हो गया है। बस सिर्फ इस पर त्रिपाट डालने का है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, सैफई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।